नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। चूंकि पूरा देश पिछले 10-12-15 दिन से पुलवामा के अटैक के बाद एक अजीब सा माहौल से गुजर रहा है, मैं पिछले दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया की तरफ गया था और ये एक सारी जगह था कॉमन चीज़, क्योंकि लखनऊ में तो मैं देख के ही गया था, लखनऊ में तो हो ही रहा है। पुलवामा अटैक के डेढ़ दिन बाद से ही शाम को बच्चों की टोली, बच्चों के क्या मतलब, वो नवयुवक जो हैं 15-20-25-30 साल के, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से शुरू हुआ। पहले कैंडल लाइट आइट हुआ, लेकिन पिछले 2-3 दिन में मैंने जो देखा और सुना है इन जिलों में और लखनऊ में भी, अब वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के बियॉन्ड, अब वो पाकिस्तान के साथ माँ बहन की गाली के नारे लग रहे हैं। मतलब वो मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे पाकिस्तान और उसके बाद एक माँ की गाली या बहन की गाली। ये कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, ये अपने आप एंगर है कि ये कोई एक फैक्ट्री से जो व्हाट्सएप निकल के आ रहे हैं उसकी वजह से है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी करा रही है, वो तो आप लोग को निर्णय करना है। इसी बीच मेरे एक व्यक्तिगत जानने वाले, उनका नाम है वसीम नौतनवा है, ये गोरखपुर के बगल का जिला है महाराजगंज, वहाँ का सीमावर्ती एक जगह है नौतनवा, वहाँ से वो जिला पंचायत सदस्य हैं महाराजगंज के, मुसलमान हैं। और अभी 2 दिन पहले उनकी माँ का इंतकाल हो गया था, उनकी माँ की डेथ हो गई थी और मैं उसमें गया था। अब वहाँ पे मुझे नहीं पता था, वसीम के यहाँ मुझे जाके पता लगा कि उनकी माँ के सारे भाई बहन जो हैं, मतलब इनके जो मामा और मौसी हैं, वो सब पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में रहते हैं मतलब ये लोग रह गए थे हिंदुस्तान, इनके मामा और मौसी लोग, मतलब वो जो लोग थे वो माइग्रेट कर गए थे। अब मतलब सोचिए तो अजीब सी बात लगती है कि वसीम कहने लगे कि भाई जब मेरी माँ की मौत हुई तो जब न्यूज व्यूज आई तब उनके जो उनकी माँ के जो भाई और बहन थे कहने लगे जितना हो अल्लाह, और वो बेहाल वहां पाकिस्तान में हो रहे थे, हम लोग के लिए संभालना मुश्किल था। मैं इस रेफरेंस को इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो देश है उसका एक बहुत लंबा संबंध है, वो किसी एक दिन से हट नहीं सकता है। मूल बात पे आने से पहले कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बम फेंकने से पहले एक चीज़ और समझा दूंगा आपको, ये सारा मामला जम्मू कश्मीर से है और मैं आपको इसलिए बता दूँ कि उसकी इम्पोर्टेंस समझ लीजिए। जो टोटल एरिया भारत का है वो 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से जम्मू और कश्मीर राज्य जो है वो ऊपर से 5वें नंबर पे है। सबसे बड़ा राज्य हिंदुस्तान का राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, 5वां सबसे बड़ा राज्य जम्मू कश्मीर है, 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। आपको समझ के लिए जरा मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान के जो सबसे छोटे यूनियन टेरिटरी का स्क्वायर मतलब का एरिया निकाल लिया जाए, मतलब एरिया को जोड़ लिया जाए 6 यूनियन टेरिटरी, और हिंदुस्तान की जो छोटे राज्य हैं एरिया वाइज उनके 9 राज्य का टोटल, मतलब 9 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का टोटल एरिया मिला के, जिसमें हरियाणा, केरल, मेघालय, मणिपुर ये सब जुड़ जाएंगे, ये टोटल करने के बाद भी कुल उस 2,22,000 से स्क्वायर किलोमीटर जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र उससे कम है। कहना मैं चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के 15 राज्य और यूनियन टेरिटरी मिलके भी जम्मू कश्मीर के एरिया के बराबर नहीं है, वो हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है, तो इसलिए उसको उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। दूसरा, वहां की जो पॉपुलेशन है वो हिंदुस्तान के सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से 19वें नंबर पर है। हिंदुस्तान की कुल पॉपुलेशन जो एस्टिमेटेड थी 121 करोड़, उसमें 1,25,00,000 लोग करीब जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर आपके लिए अहम है, आप उसको किनारे नहीं कर सकते हैं।
अब हम आते हैं मुख्य बात पे। मुख्य बात यह है कि आज जैसे कहा जा रहा है और खास करके कई लोगों ने कहा भी कि अगर टीवी चैनल के मतलब के जो न्यूज रीडर हैं या न्यूज के जो मालिक लोग हैं उनका अगर बस चले तो कोई ऐसा वो इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कोई साइंस डेवलप कर लें टेक्नोलॉजी कि वो वहीं से बम चला के पाकिस्तान के ऊपर बमबारी शुरू कर दें। अब वो उनके अपने कारण हैं क्यों वो लोगों को और एजिटेट कर रहे हैं और लोगों को में गुस्सा भड़का रहे हैं। मैं यहां पे एक एक ऑप्शन के आपसे चार पांच ऑप्शन है जो आज पाकिस्तान के साथ हम लोगों को कर सकते हैं उस एक एक ऑप्शन की बात करूंगा और उसके जवाब हम और आप मिलकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कि पाकिस्तान को एटम बम से उड़ा दिया जाए, पाकिस्तान का नामो निशान ना रहे। तो क्या यह संभव है? क्योंकि आपके पास एटम बम है तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। और इससे एक अलग बात, एक बात याद रखिएगा, अमेरिका के पास एटम बम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गया था, लेकिन उसके बाद इतने लंबे समय तक वो वियतनाम में फंसा रहा, वियतनाम में लड़ता रहा अमेरिका, उसकी पूरी इकोनॉमी चौपट रही, उसके कितने लोग मारे गए, लेकिन एटम बम का इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो आज के दुनिया में जहां दुनिया खड़ी है, हाल के दिनों में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का देखा, जहां पे उनके शासक है वहां तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे भी एटम बम का मेरे हिसाब से ये गुस्से में और कुछ वोट पाने के लिए कहना कि एटम बम ये ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। अब दूसरा ऑप्शन है कि पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया जाए तुरंत, मतलब आज हम लोग सब लोग चाह रहे हैं पाकिस्तान पे आक्रमण। तो आक्रमण अगर आप कर रहे हैं तो ये बताइए क्या अगर हम आक्रमण करेंगे तो एक बहुत लंबे समय तक हम एक अपने को एक वॉर फ्रंट पे एंगेज नहीं करने जा रहे हैं? और जब आप वॉर फ्रंट पे एंगेज कर रहे हैं तो दो चीजें जान लीजिए कि अगर पाकिस्तान की तरफ के लोग या जवान मारे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जवान भी मारे जाएंगे। ये हिस्ट्री है, डेटा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। आप पुरानी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, जो पाकिस्तान के साथ चार युद्ध हुए हैं उसमें उनके जवान मारे गए हैं तो हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। तो इसलिए ये एक तरफा वो नहीं होगा, दोनों का नुकसान है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये समय आप पाकिस्तान से अगर युद्ध कर रहे हैं तो आप एडवांटेजियस पोजिशन में नहीं है। ये बहुत लोगों को याद है, आज मानेकशॉ कि बहुत से चीजें कही जा रही हैं, बहुत लोग आपको बार बार कोट करते हैं कि कैसे मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को मना कर दिया था कि अगर अभी, तो इसी सीजन के समय इंदिरा गांधी से बात हो रही थी जब मानेकशॉ ने यह कहा था कि यह राइट टाइम नहीं है, अगर इस समय आप युद्ध करेंगे तो आपकी हार निश्चित है। तो दिस इज स्ट्रेटेजिकली दिस इज नॉट द राइट टाइम टू अटैक। तो ये तो बात हो गई कि पाकिस्तान पे आक्रमण का कोई अर्थ नहीं है। अब तीसरी बात आ रही है सर्जिकल स्ट्राइक, एक नया टर्म चला है सर्जिकल स्ट्राइक, उस पर एक बड़ी भारी पिक्चर भी बनी उड़ी, सारे कैबिनेट ने देखी, हिंदुस्तान की सरकार ने देखी उस पिक्चर को। और जैसे ओसामा को आके यूएस की नेवी सील ने आके एक ऑपरेशन में उनको मार के और तुरंत चले गए थे, या जैसे इसराइल, और बार बार कहा जा रहा है कि हम लोग को इसराइल की तरह करना चाहिए जिन्होंने अपना बदला नहीं छोड़ते हैं, और इसराइल वालों की तरह हम लोगों को स्ट्राइक करनी चाहिए, और जैसे जाके इस तरह के जो फैक्ट्री बन रही है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो एक फैक्ट्री, अब तो बड़ी फैक्ट्रियां हो गई हैं, रोज ओवर टाइम कर रही हैं, उन लोगों उसमें भी कहा जा रहा है कि इसराइल टाइप एक हम लोगों को अटैक कर दे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। दो चीजें समझ लीजिए, पहली चीज इसराइल के जो मुख्य रूप से जूज हैं, और जो जूज हैं दुनिया का जो मेजर व्यापार है वो आज जूज कंट्रोल करते हैं, तो वो पैसे की ताकत जो इसराइल के पास है वो मेरे हिसाब से दुनिया के किसी के देश के पास नहीं है। दूसरा एक चीज हरदम याद रखिएगा कि इसराइल में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और खास करके हथियारों से रिलेटेड और सेना से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बेहिसाब काम होता है। दे हैव द बेस्ट ऑफ गन्स, दे हैव द बेस्ट ऑफ वॉरफेयर में वो बहुत आगे हैं, R&D में बहुत पैसा खर्च होता है। हमारे यहाँ
आरएनडी का तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल में के इम्तहान में हिंदी के पेपर में नकल ना होने के कारण 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है। अब तक जैसा रिपोर्टेड है कि करीब नकल ना कर पा रहे हैं हम लोग 4-5 लाख हम लोगों ने बच्चे उत्तर प्रदेश में 10वीं का एग्जाम छोड़ के जा चुके हैं। तो हम लोगों की एक कंट्री जो आज आरएनडी में नहीं है, हमारी अपनी समस्याएं हैं, हमारा शिक्षा, हमारा गरीबी, हमारी अपनी समस्याएं हैं। तो हमें इसराइल का एग्जाम्पल शायद हमारे ऊपर बहुत लागू नहीं होता है। मेरे हिसाब से ये सर्जिकल स्ट्राइक और उसामा और इसराइल टाइप अटैक फैक्ट्री में बहुत अच्छा है, जहाँ फैक्ट्री में व्हाट्सएप बन रहा है वहाँ बहुत अच्छा है। तीसरा ये कहा जा रहा है कि पीने का पानी रोक दो, और ये पानी जो जाएगा हम नदियों के ऊपर हम तुरंत रोक लगा दें और पानी आज बंद कर दें। हरदम याद रखिएगा, हिंदुस्तान में चीन से 3 नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंडस हिंदुस्तान में आती हैं चीन से। तो अगर आप कहीं किसी का पानी रोकने की बात करते हैं तो आपका पानी भी रुक सकता है, ये ध्यान रखने की बात है। पांचवीं और अंतिम बात, बार बार कहा जा रहा है कि ये इकोनॉमिक बैरियर तुरंत लगा दिया जाए, कल्चरल रिलेशनशिप तुरंत बंद कर दी जाए, वीसा तुरंत ठप कर दिया जाए, स्पोर्ट्स तुरंत बंद कर दिया जाए, एक बहुत तरह तरह की तमाम ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। सब बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। दो चीज़ें समझ लीजिए, जब आप ट्रेड बंद करते हैं तो पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का जो भी सामान आता जाता है ये सबको पता है वो वाया दुबई आने लगता है या किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री से आता है। मतलब पाकिस्तान पहले उस मिडिल ईस्ट कंट्री को भेजता है, मिडिल ईस्ट कंट्री से फिर हिंदुस्तान आता है। उसी तरह से हिंदुस्तान पहले उस मिडिल ईस्ट कंट्री को भेजता है या किसी दूसरे देश में भेजता है और वहां से आता है। तो आप अगर ट्रेड बंद कर रहे हैं तो कोई उस ट्रेड बंद करने से आप उसकी इंडस्ट्री को कुछ नहीं कर रहे हैं, जो ये बिचौलिए हैं उनका एक तो आप फायदा करा रहे हैं और शायद थोड़ा दाम भी बढ़ा दे रहे हैं, बाकी इसमें कोई होने देने वाला कुछ नहीं है। ट्रेड अगर बंद करना है, अगर ट्रेड से आप किसी को के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं तो आपको चीन की तरफ कुछ सोचना चाहिए, जिसमें मालूम नहीं वो फुलझड़ी से लेके दिवाली के पटाखे से लेके होली के रंग तक हमारे यहाँ भेजता है, हम उसका आज तक कुछ ट्रेड इम्पैक्ट नहीं कर पाए हैं। एक ध्यान और रखिएगा, जब इस तरह की आप कल्चरल वो बंद कर दिया जाए और उनको नहीं आने दिया जाए, ध्यान रखिएगा कि इमरान खान के इनिशिएटिव से करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, क्या हिंदुस्तान की सरकार उस सिख समुदाय को के मतलब उनको अच्छा सिख समुदाय वहाँ जा नहीं पाएंगे, क्या उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए आज करतारपुर कॉरिडोर को बंद करने की बात सोच सकती है? वैसे भाषण दे देना अपनी बात है। हिंदुस्तान में आज जो 2011 की पब्लिक का जो सेंसस था उसके हिसाब से 17.2 करोड़ मुसलमान हैं, पाकिस्तान में जो अभी एस्टिमेटेड है 19.5 करोड़ और इंडोनेशिया में 21 करोड़ मुसलमान हैं। जिस तरह से पाकिस्तान और कहीं ना कहीं उसका एक नरेटिव ये भी बन रहा है कि पाकिस्तान से रिलेट करके कहीं ना कहीं वो इशारा मुसलमानों की तरफ भी हो रहा है, और ये खास करके हमारे टीवी चैनल और हमारी ये जो फैक्ट्री जो व्हाट्सएप फैक्ट्री है, और ये वही व्हाट्सएप फैक्ट्री है जिसके स्तर को मैं इसलिए सिर्फ याद दिला दूं, ये वही व्हाट्सएप फैक्ट्री मालूम नहीं कौन कौन सी बातें कर रही है कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो, लेकिन एक 56 इंच का सीना एक नेता का कंपैरिजन एक किसी दल की नेता के महिला नेता के सीने से कंपेयर करने का, ये व्हाट्सएप फैक्ट्री गंदा और घिनौना काम कर रही है। अगर कोई और जगह होती तो अब तक ये जो व्हाट्सएप फैक्ट्री वाले हैं जो भी इस फैक्ट्री के ओनर हैं उनके ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन वो नहीं हो रही है क्योंकि फैक्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शायद ये सूट कर रहा है। पाकिस्तान के विषय में मेरी जो समझ है, देखिए पाकिस्तान को आपको थोड़ा एक चीज से देखना होगा, एक है जो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हमारे ही बीच में विजय माल्या भी है, हमारे ही बीच में सुल्ताना डाकू भी है और हमारे ही बीच में महात्मा गांधी भी हैं। तो हम हिंदुस्तानी हैं वो पाकिस्तानी हैं।
दूसरा है पाकिस्तान की सरकार, वहां पे एक चुनी हुई सरकार है, कितनी अच्छी कितने वो किसके इन्फ्लुएंस में नहीं वो उनकी समस्या है, जैसा मुझे लगता है दुनिया को भी लगता है कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो आज की तारीख में ये तय बात है कि पूरी तरह से उनके आर्मी और उनके आईएसआई की गिरफ्त में है, इसमें कहीं कोई दो शंका नहीं है। तीसरी वहां का है पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई, और वो किसी भी तरह से किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी उससे कम नहीं है। ये हिंदुस्तान भी मेरे ख्याल में सभी लोग समझते हैं जो हिंदुस्तान में जो भी पॉलिटिक्स को देख रहा है और समझ रहा है। जैसे आज की तारीख में हमारे जो जनरल साहब हैं उन्होंने अभी विपिन रावत जी ने कहा है कि तालिबान में चूंकि अमेरिका विड्रॉ कर रहा है तो हम लोगों को तालिबानियों में से भी अफगानिस्तान में जाके बात करनी चाहिए। तो अगर आप तालिबान से भी बात करने को तैयार हैं और इधर आप कह रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं करेंगे, तो भाई इसका तो जवाब वही लोग देंगे जो इस स्थिति में है वार्ता करने की, क्योंकि किसी भी चीज का आज गांधी के इस देश में क्या हिंसा से समाधान हो सकता है किसी भी बात का? गांधी जो अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ, जो कई सदियों का जुल्म था, उसके खिलाफ भी गांधी कहते थे कि नहीं अहिंसा के द्वारा ही ये चीजें सॉल्व होंगी, हिंसा इसका रास्ता नहीं है। गांधी को के आज हम लोग 150 साल मना रहे हैं और एक तरफ ट्रिब्यूट कर रहे हैं कि गांधी जी को ट्रिब्यूट करके स्वच्छता और क्या क्या, तो क्या इस देश में गांधी जी का ये ट्रिब्यूट उचित है कि हम अहिंसा को बुला रहे हैं कि नहीं अहिंसा के द्वारा ही हम कुछ चीज़ों को सुलझाएंगे? बात तो आपको बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। आज निकालिए, 2 दिन बाद निकालिए, युद्ध के बाद निकालिए, एटम बम गिरा के निकालिए, रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा। और अंत में चलते चलते राहत इंदौरी की वो बात जो उन्होंने कहा है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या, क्या कहने सर। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।